कोई और देरी नहीं होगा, अब से कोई देरी ना होगा। हालेलुया। वो क्या है हम आज सीखेंगे प्रकाशित 10 वाक्य में 10 वाक्य में। ओके, अब तक हमने देखा ये टाइमलाइन मुझे प्रभु के क्या बोलते हैं टाइमलाइन समय काल के अनुसार आप देखा यीशु मसीह धरती में आया, 33.5 साल यहाँ पर जिया, फिर पुनर्थन होके वापस गए। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि रैप्चर्स हुआ, मुझे इस चर्च का युग शुरू होता है कब से, पेंटिकॉस्ट के दिन के समय से लेकर जब यीशु मसीह आएंगे हमको लेने के लिए, तब तक वो कहता है, वो युग को कहता है चर्च एज या कलीसिया के युग। प्रेज द लॉर्ड। और हमको पूरा तरह से क्या बोलते हैं प्रयत्न करना है कि जितने जल्दी हमारे प्रिय लोगों को, हमारे घराने को, हमारे अड़ोस पड़ोस लोग जो हमारे साथ काम करते हो, सबको यीशु में लेके आने के लिए। हालेलुया। ताकि कोई भी इस क्लेश में यहाँ पर नहीं रहना है। अभी तक जो हमने सीखा है नौ अध्याय तक, कितना भयंकर दिन आप जानते हैं, कितने भयंकर दिन आ रहे हैं, और हर साल हर दिन और बुरा दिन आने वाला है। बड़ा मंत्री ने कहा अच्छे दिन आएंगे, पर मैं बोलता हूँ अब बुरा दिन आने वाला है। तो हमको यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना है, हमको यीशु मसीह के साथ उठना है। हालेलुया। यीशु आज आ सकते हैं, कल आ सकते हैं, वर्ष के अंत तक आ सकते हैं, अगला साल, पर हमको ऐसा तैयार होना है कि अभी आएंगे तो मुझे उठना है। हमको रिस्क नहीं लेना है इधर, नहीं एक दिन एक पल भी यहाँ पर नहीं रहने गए रैप्चर के बाद, हमारा घराना भी नहीं रहना है, तो भयंकर दिन आने वाला है। हालेलुया। तो हम देखा कि इस का क्या बोलते हैं टाइमलाइन, जैसे कि टाइमलाइन रैप्चर के बाद क्या होगा, कितने साल क्लेश होगा, बड़ा क्लेश ट्रिब्यूलेशन पीरियड 7 साल। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये 7 साल जो है दो भागा में उसको बात किया है। पहला है 3.5 साल जहां पर जैसा मैंने बोला 3 तरह का न्याय होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कार्य टाइमलाइन में 3 तरह का न्याय। पहला न्याय है मोहर के न्याय, वहां पर हम देख सकते हैं मोहर, वो 7 तरह की न्याय होगा, एक एक ऐलान होगा, एक एक न्याय पद रखना होते जाएंगे इस पृथ्वी पर। लोग पीड़ित होंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, पीड़ित होगा। हालेलुया। पहला न्याय वो है मोहर का 7 न्याय। दूसरा तरह के न्याय है तुरियो के न्याय, जब 7 स्वर्गदूत 7 तुराई फूकेंगे, 7 घटनाएं। प्रभु परमेश्वर, ये न्याय क्या है, यीशु परमेश्वर का क्रोध, पिता परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर उंडेलने वाला है। तो हम देखते 7 न्याय तुरियो के न्याय। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा न्याय, वो है कटोरों का न्याय। कटोरों में प्रभु का प्रकोप होगा, वो पूरा तरह से इस पृथ्वी पर उंडेल देंगे, वो उसका न्याय। अभी पहला जो दो न्याय जो है दो बाग कौन सा है, मोहर के न्याय 7 न्याय और तुराई का 7 न्याय। वो पहला 3.5 साल 7 साल के पूरा क्लेश के अंदर पहला के 3.5 साल में होएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। वो दिन उतना बुरा, इधर बुरा था पर उतना बुरा नहीं था, पर अंतिम 3.5 साल तब शुरू होएगा जब 7 तुराई, अभी 6 तुराई हम पिछले गुरुवार को सीखे। हालेलुया। अभी 7 तुराई जब फूकेंगे, 7 कटोरे का न्याय शुरू होगा, वो एकदम भयंकर खतरा वाले दिन, बुरा दिन होने वाला है। और जैसे हमने पढ़ा 7 मोहर के न्याय, जब 6वां मोहर के न्याय खुला था, यीशु ने उसको खोल दिया, उसके बाद एक बड़ा इंटरवल, जैसा पिक्चर में पहले इंटरवल रहते हैं, उसके बाद शेष भाग, पिक्चर का शेष भाग आता है, वैसे ही हर एक तुराई या मोहर के न्याय या चाहे वो कटोरे के न्याय हो, जब भी 6वां भाग आता है उसके बाद एक बड़ा इंटरवल होता है, उसके बाद 7वां तुराई या 7वां मोहर या 7वां कटोरा आता है।
अभी ये बीच का जो इंटरवल है वो क्यों है? इसलिए है क्योंकि योनान बहुत सारी चीज हमको बताना चाहते, अरे ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उस सब इस इंटरवल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ज्ञान योनान चेले हमको देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज उसने देखा है दर्शन में, वो वर्णन का बाहर है उसका, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि 221 वर्ष शताब्दी का जो माहौल होने वाला है वो पहला शताब्दी में कैसे उसको वर्णन करने के उसको मालूम है, फिर भी वो कोशिश करते हैं वो वर्णन करने के लिए। मैं तो जब हम देखा कि चटवा मोहर जब बोला गया और सातवा मोहर बोलने वाला था उसका बीच में इंटरवल आ गया, वो है सातवा अध्याय चैप्टर 7। बाबरे को 1,40,000 यहूदी लोग का बचा होने वाला है और क्लेश का सन मरकर शहीद होकर वो स्वर्ग में जाएंगे, उसके बारे में वर्णन है। वो इंटरवल का टाइम योना थोड़ा आपको बताता है। अभी जब छठवा तुराई कल पिछले बुधवार तक हो गया, उसके बाद जब सातवा तुराई फूटने वाला है उसके बीच में इंटरवल है। ये इंटरवल बहुत ही बड़ा इंटरवल है क्योंकि वो चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 14 मतलब 5 चैप्टर 5 अध्याय को कवर करते हैं। ये इंटरवल में कितना चैप्टर कवर करते हैं, कितना अध्याय कवर किया है? चैप्टर 10 से लेकर 14 तक 5 अध्याय को कवर हो जाता है ये इंटरवल। उसके बाद हम देखते हैं कि सातवां स्वर्गदूत आकर सातवां तुराई को फूंकता है। हालेलुया। तो ये पांचवा अध्याय हम एक एक पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ 10वां अध्याय के 1 से 11 पढ़ने वाला है। ध्यान पर सुनिए, कभी कभी कोई बातें आप समझेंगे नहीं समझेंगे, पर आप बने रहो, आप सब कुछ समझेंगे, पर चूट ना जाओ, क्योंकि आप कल नहीं बोल सकते मुझे मालूम नहीं था, सब लोग निकल गए, मैं यहाँ पर ही हूँ, क्योंकि आप सो रहे थे, आप ताना पका रहे थे, सबको कुछ किया परंतु आप इधर ही रह गया। तो सबको कुछ करने से अच्छा है यीशु मसीह को कुछ करो, सब कुछ हो जाएंगे। पर आप खाना पका के काम पे जाकर सब बॉस को कुछ करो, सबको चापलूसी करो, कुछ होने वाला नहीं। पर अगर यीशु को कुछ कर रही है मैं बताऊ, आप यीशु के साथ जा सकते हैं। ज्ञान पूर्वक प्रकाशित वाक्य कभी भी चुपो मत, हमारे साथ बने रहे। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं 10 अध्याय में क्या है। प्रेज लॉर्ड। 10 अध्याय में हम क्या सीखेंगे, पढ़ेंगे प्रकाशित 10:1। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सर पर इंद्रधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा, उसके मुंह सूर्य के सर और उसके पाँव आग के खंभे में था जैसा था। यस, यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बलि स्वर्गदूत। इंग्लिश में हम कहते हैं माइटी एंजल, माइटी पावरफुल। कौन है ये स्वर्गदूत? हालेलुया। ये तो बहुत ही बड़ा स्वर्गदूत है। ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये क्यों इधर दिखा है इसके बारे में? अगर इसके बारे में अगर हम सीखेंगे, जैसे इसका वर्णन जो लिखा है, उसके सूर्य की तरह चेहरा, उसके सर में इंद्रधनुष का मुकुट, वो मेघों को ओढ़ा हुआ है। हालेलुया। ये इसके बारे में अगर हम वर्णन देखेंगे, ये यीशु मसीह के अगर हम पढ़ते तो हम लगते हैं ये तो यीशु मसीह का वर्णन है। हमको कैसे मालूम पड़े यीशु मसीह का वर्णन है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्रकाशित 1 में। हम थोड़ा उसका तुलना देखेंगे, इस स्वर्गदूत के बारे में क्या लिखा है। देखो, अभी तक हमने शैतान के बारे में बहुत सीखा और लोग डरते, शैतान दुष्ट आत्मा ना वो हम मार डालेंगे, वो मैं बीमार हो जाएगा, कोरोना वायरस मुझे पकड़ेगा, दुष्ट आत्मा मेरे पीछे है, जादू ना करे, ये लोग डरते कर रहे हैं। डरने का दरकार ही नहीं। याद सीखो परमेश्वर की एक बलि दूत का पावर क्या है। हालेलुया। ये कोई दुनिया का पावर नहीं है, दुष्ट आत्मा का पावर नहीं, वो
हजार दुष्ट आत्मा साथ मिलकर भी कुछ भी फायदा नहीं है, एक बलि स्वर्गदूत का पावर क्या जो हम देखेंगे। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की और महिमा करना है, शैतान की महिमा नहीं करना है और हमारे से महिमा नहीं करना है। हम देखेंगे एक बलि स्वर्गदूत का विवरण क्या है। पहला, बादल ओढ़े हुए। प्रकाशित 10:1 में लिखा है कि वो स्वर्गदूत ऐसे लगता मानो कि बादल ओढ़े हुए। ओके, वो है प्रकाशित 10:1। सर पर मेघ धनुष, सर पर मेघ का स्वर्ग धनुष या इंद्रधनुष। यस, मुंह सूर्य जैसा चमक रहा था। पाव आग के खंभे। पांचवा, गर्जन सिंह की तरह। उसका जो गर्जन आ रहा था उसके मुंह से मानो कि सिंह का गर्जन, शेर का गर्जन। लोग कोई भी डरते हैं जब शेर का गर्जन आता है। इतना भयंकर दिखने वाला स्वर्ग दूत, पवित्र दूत। अभी ये सारा वर्णन यीशु के विवरण वर्णन है। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बड़ी बलि स्वर्गदूत को अनजाने से यीशु मसीह कहता है। यीशु मसीह बिल्कुल नहीं, यीशु मसीह नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, क्योंकि यीशु का भी विवरण ये सही है। प्रकाशित वाक्य में पहला, बादल उड़े हुए, एक साथ में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य एक साथ में लिखा है कि यीशु मसीह बादलों में स्वर्ग से आएंगे, उतरेंगे जैसे ये उतरा है। परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा है ये छठवां सातवां तुराई के बीच में यीशु मसीह नहीं आने वाला है। बाद में हम देखता है प्रकाशित वाक्य में आगे जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह जब 7 साल क्लेश बंद हो जाएंगे, खत्म होएंगे, यीशु मसीह हम सब संतों के साथ जब रैप्चर के बाद हम जाएंगे ऊपर और यीशु मसीह के साथ हम इस पृथ्वी में आएंगे शैतान को हराने के लिए। हालेलुया, हम यीशु के साथ घोड़े में सवार होकर दूसरी बार इस धरती में आएंगे। तो यीशु मसीह अभी नहीं आ सकता है, तो ये स्वर्गदूत ही है। तो पहला विवरण है यीशु मसीह की तरह ही ये स्वर्गदूत बादल को ओढ़े हुए स्वर्ग से उतर आता है। दूसरा इसका विवरण है इसके सर पर मेघ धनुष है। अब ये प्रकाशित वाक्य हम जब पढ़े चौथा अध्याय के 3 में पाप लिखा है कि यह परमेश्वर का जो सिंहासन था उसके चारों ओर इंद्रधनुष था। हालेलुया, परमेश्वर के चारों इंद्रधनुष। अभी इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष ये दर्शाता है कि जितना भी प्रकोप या गुस्सा परमेश्वर का है, क्रोध है, फिर भी उसके अंदर एक धरस वाला दिल है। एक और व्यक्ति बचने दो। अभी तो लोग मन फिरा के मेरे पास आएंगे, अभी तो मेरे लिए समय बिताएंगे प्रार्थना में या अपने ही काम में व्यस्त है। हालेलुया, तो प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए व्यस्त रहे और लोग मन फिराए। इससे प्रभु कृपालु है, दयालु है और समय देरी लगता है प्रभु के आगमन के लिए। एक और व्यक्ति विश्वासी बनेंगे और एक और विश्वासी यीशु के करीब आएंगे। हालेलुया, पहला प्रेम देखो अब तक कैसा था और अभी कैसा है आपका पहला प्यार यीशु के प्रति। अभी टाइम ही नहीं है सिस्टर, खूब काम आए आप तुम्हारा माइक है, हमारे कितनी काम आए। यस, तुम्हारा खूब काम आए, माला माइक आए। परंतु परमेश्वर यीशु जब आके जाएंगे तभी तुम्हारा काम सब बंद हो जाएंगे, होते ही जाएंगे। तो क्यों ना अभी समय बिताए यीशु के साथ। तीसरा, प्रभु का वचन लिखा है स्वर्गदूत के बारे में कि उसका मुंह सूर्य जैसा था। और प्रकाशित वाक्य 1:16 में भी वही लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसका मुख सूर्य के प्रताप की तरह चमक रहा था, यीशु के चेहरा। 14, इस स्वर्गदूत के बारे में लिखा है उसके पाव आग के खंभे थे। और प्रभु के वचन प्रकाशित वाक्य 1:15 में लिखा है कि परमेश्वर के पाव एक तपते हुए पीतल के समान वो जल रहा था। हालेलुया, पीतल क्या दर्शाता है? न्याय। हालेलुया, ब्रॉन्ज इज फॉर जजमेंट ऑफ गॉड, पीतल के समान जल रहा था। हालेलुया। और 5वां वहां पर लिखा है कि वो उसका गर्जन एक सिंह की तरह था। प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है यीशु मसीह यहूदा का सिंह कहलाता है। हालेलुया, वो कैसा आया? मेमने के रूप में आया इस धरती पर, अपने आप को बलि चढ़ाया। हालेलुया, और अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। अगर एक इशारा देता तो कितने हजारों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर से उतर कर वो सबको मार डालता था। हालेलुया, उधर गब्रेल और मिकाएल उधर इंतजार कर रहे स्वर्ग से, यीशु से तो एक आहट सुनाओ, हम लोग यहाँ पर तैयार है तलवार के सही, लोग सबको बात लगाएंगे।
कितने लोग तुझे मारा पीटा, हम सबको खत्म करेंगे एक मिनट में। हालेलुया। परंतु परमेश्वर एक मेमना था तभी उसे अपने अपने आप को बलिदान करने के लिए आया। अभी जब आएंगे मेमना नहीं शेर, शेर के तरह आएंगे, योदा का शेर, कोई उसके सामने खड़ा नहीं देंगे, वो फाड़ डालेंगे। हालेलुया। इतना सामर्थ्य है, परंतु हमारे लिए वो नम्र बना, इवन क्रूस के ऊपर स्वर्ग सृष्टिकार अपनी सृष्टि के लिए नम्र बन गया, शून्य बन गया, ताकि हम सब बच जाएं। और हमको परमेश्वर ने टाइम ही नहीं है। हेलो, प्रभु अपने पूरा समय निकाल कर आपके लिए और हमारे लिए आया, हमको भी समय निकालना है। तो फिर से हम यहाँ पर जो टॉपिक में बलि स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत का पावर ऐसा ही 185,000 में एक मिनट में मार सकता है। स्वर्गदूत इतना पावर है, पावरफुल है, सामर्थ्य है कि प्रभु का वचन में बाद में लिखते हैं कि हजार साल एक अनजान स्वर्गदूत आकर इस शैतान को पकड़ कर वो बिना कड़े छेद वाला बिना छेद वाला कड़े में डालने वाला है। हालेलुया। ऐसा रहेंगे उसका पावर, अनजान स्वर्गदूत। ये तो बड़ा स्वर्गदूत है, बलि स्वर्गदूत है। हालेलुया। ऐसा पावरफुल है स्वर्गदूत। पर प्रभु का वचन ये भी लिखा है कि ये स्वर्गदूत प्रकाशित 1:14 में, हिब्राई 1:14 में लिखा है वो हमारे लिए सेवा करता है। इतना बड़ा स्वर्गदूत होकर वो विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं उनका सेवा करने के लिए प्रभु रखा है। पढ़ेंगे, यस, पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश हिब्राई 1:14। ओके ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकाशित 12:1, हम सोचते हैं ये स्वर्गदूत कौन है, वहां पर ये नाम लिखा है। अभी देखो प्रकाशित वाक्य 10 और डैनियल 12 में बहुत मिलावट है, मिलन है। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं, जरा सिमिलैरिटी, समानता है, सिमिलैरिटी बिटवीन दीज टू चैप्टर ऑफ डैनियल, डैनियल चैप्टर 12 एंड रेवलेशन चैप्टर 10, बहुत सारे समानता है दोनों अध्याय में, डैनियल और प्रकाशित। हालेलुया। ये स्वर्गदूत कौन है, ये स्वर्गदूत का नाम है मिखाएल। क्यों, हम उस वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित 12:1, प्रकाशित नहीं डैनियल 12:1। उसी समय मिखाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता, तेरे जाति किसको ये बोल रहा है ये वचन, डैनियल। तो डैनियल का भाई कौन है, यहूदी लोग, यहूदी के बारे में लिखा है कि ये तेरे यहूदी लोगों के लिए है कि मिकाल आया है। यस, खड़ा रहता है, वो उठेगा। ऐसा संकट का समय होगा। हाँ, ये अंतिम समय यहूदी के लिए बहुत कथा हुआ समय है। हालेलुया। कलीसिया तो लूटा जाएंगे, यीशु का दुल्हन निकल जाएंगे, पर यहूदी लोग क्योंकि अभी तक वो यीशु मसीह को नहीं जानता है अपने मसीह के रूप में, वो लोग बहुत क्लेश से जाएंगे। आगे एक बड़ा बड़ा कंटेन में कितने, जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से यस लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। हाँ, परंतु उस समय वहां पर लिखा है कि ऐसे ऐसे क्लेश होने वाले यहूदी लोगों को जो पहले से आदि से अब तक कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह भी इसके विवरण लिखा है मत्ती में 24 में लिखा है कि ऐसा भयंकर दिन आने वाले यहूदी लोगों को अभी तक नहीं हुआ इस दुनिया में, ऐसे भयंकर दिन कतरा वाला दिन होने वाला है। आगे, परंतु उस समय तेरे लोग में से जितनों के नाम, तेरे लोग में से, तेरे लोग मने यहूदी लोग, डैनियल के लोग मने यहूदी लोग में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखी हुई है, हाँ, वे बच निकलेंगे। हालेलुया। मुझे वो लोग सब बच जाएंगे, वो उधार पाएंगे। ओके, जैसा मैंने बोला हम इतना डरते हैं, शैतान इधर है, शैतान सोफा को ऊपर है, शैतान उधर है, हमको डरने का दरकार नहीं है। हमको सिर्फ हमारा दृष्टि यीशु मसीह के ऊपर रखना है, जो के सामने चारों ओर स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत आराधना करते हैं। और यहाँ पर इस बलि दूत के बारे में लिखा है, स्वर्गदूत बारे में लिखा है कि वो इतना पावरफुल है, वो यीशु की तरह। अभी मिकाएल का नाम है
जो परमेश्वर यीशु के समानता में है, who is like God. The name Michael means who is like God. Hallelujah. तो परमेश्वर के समान, वहां पर कैसे समान, परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलता है, वो परमेश्वर का अधिकार लेके चलता है और परमेश्वर के सामर्थ लेके चलता है, वो परमेश्वर का प्रतीक है। परंतु ये यीशु मसीह नहीं है, जैसे बहुत सारे बाइबल स्कॉलर देखते हैं कि ये इसका प्रकाशित वाक्य 10:1 में ये बड़ा प्रकार जो स्वर्गदूत लिखा है वो यीशु है, बिल्कुल यीशु नहीं है, यीशु अभी नहीं आ सकते, यीशु क्लेश के 7 साल क्लेश के बाद ही आएंगे। ये स्वर्गदूत है और इसका नाम है मिखाएल, तो डैनियल 12:1 में लिखा है कि मिखाएल है जो यहूदी लोग के आने वाला है। हालांकि इतना बड़ा पावरफुल है मिखाएल, मिखाएल को बोलते हैं वॉर एंजल, जो युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है। और ये क्यों यीशु के समानता में, क्योंकि उपस्थिति लेके चलता है, वो अधिकार लेके चलता है और सामर्थ लेके चलता है। यस, आगे अभी हम पढ़ेंगे हिब्रू 14:1 हिब्रू 1:14 क्या वे सब मंजे स्वर्गदूत, सब करोड़ों स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है, जो उद्धार पाने वालों की कौन उद्धार पाया है, हम सब यहाँ पर जो बैठे, हम सब यीशु मसीह को ग्रहण किया है फिर हम उद्धार पाए हैं। तो हमारे लिए ये स्वर्गदूत हमारा सेवा करने के लिए है, हर वक्त हमारा सेवा के लिए मौजूद है। अगर आपको कुछ भी होता है स्वर्गदूत को बुलाओ, आपके स्वर्गदूत बोलो ये काम करो, वो करेंगे आपके लिए। बहुत सारे हमारे स्वर्गदूत बिना काम खड़ा है, जैसे अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को काम निकल गया, ये लोग भी अभी काम नहीं है उनको, आप आदेश दे देता है वैसे खड़ा है। अरे कभी ये बहन मेरा मरिया सिस्टर मुझे बुलाएंगे, मैं करने के लिए तैयार है, वो आपके बड़े बड़े काम करे, पर आपको मुंह से वचन को बोलना है। क्यों वचन बोलना है स्वर्गदूत के लिए, क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ वचन को पहचानता है। वचन संहिता 103:20 में लिखा है स्वर्गदूत, हम लिखा नहीं यहाँ पर वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत जो परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करते हैं। आप कौन सा दूसरा शब्द वापरेंगे उसको, वो भाषा समझता नहीं, प्रभु का वचन को आप बोलते घोषणा करो, पैसा आएंगे, चंगाई आएंगे, आशीष आएंगे, क्योंकि स्वर्गदूत उस सब आपके पास लेके आएंगे, स्वर्ग से भंडार से लेकर आपके घर तक पहुंचाएंगे। हालेलुया, जैसा हमारे पास घर नहीं था, पैसा भी नहीं था घर के लिए, हमने सिर्फ वचन भेजा और स्वर्गदूत आके एक सुंदर घर जो हम अभी रह रहे 1.5 कोटी का घर हमको दिया। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत सिर्फ वचन का भाषा को पहचानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये स्वर्गदूत को इस्तेमाल करना है, उसको बिना काम नहीं छोड़ना है, हमको उसको बताने का है ए वचन में ऐसा लिखा है, जाओ स्वर्गदूत वचन के अनुसार ये लेके आ। हालेलुया, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दो। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्गदूत हमारे लिए सेवा करने के लिए है, प्रभु का वचन 1:14 इब्रानियों 1:14 के अनुसार। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत। हालेलुया, वहां पर क्या लिखा है, प्रकाशित 10:2 में आएंगे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। यस, इस स्वर्गदूत के हाथ में एक छोटी सी खुले हुए पुस्तक थी और उसने अपना दाहिनी पांव, उसने अपने दाहिनी पांव समुद्र पर, वाव, एक पांव उसका दाहिना पांव किधर था, समुद्र, और दूसरा पांव किधर था, बाया पांव पृथ्वी पर रखा हुआ था। इतना बड़ा, सोचो पूरा पृथ्वी, उसका एक पांव कितना बड़ा था कि पूरा पृथ्वी के ऊपर उसका एक पांव बड़ा था और दूसरा पांव पूरा समुद्र। आप कभी समुद्र, आपके पांव समुद्र पूरा को कवर कर सकते, बिल्कुल नहीं, हमारा पांव इतना छोटा है समुद्र में डूब जाएंगे, पर एक मिखाएल का पांव इतना बड़ा था, हालेलुया, कि वो पूरा पृथ्वी को ऊपर रोक जमा रहा था, उसके ऊपर खड़ा हुआ था। क्या अधिकार, क्या परमेश्वर की जैसा समानता, क्या उपस्थिति, क्या सामर्थ्य, हालेलुया। तो एक स्वर्गदूत का पावर, मिखाएल के पावर कितना बड़ा है, ये बनाने वाला स्वर्गदूत को बनाने वाला परमेश्वर कितना और बड़ा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कितना सब के ऊपर काबू रखता है, उसको बोलते सोवरेन गॉड, गॉड हु सोवरेन ओवर एवरीथिंग, प्रेज द लॉर्ड।
पहला किसके ऊपर वो सोवरेन है? परमेश्वर सारा चीजों पर, पृथ्वी और समुद्र के ऊपर वो प्रभुत्व करता है। यहाँ पर लिखा है कि एक पाव धरती के ऊपर, एक पाव समुद्र के ऊपर। हालेलुया। ये दो स्थान में क्यों है उसके पाव? क्योंकि जब शैतान को फेंका गया था, स्वर्ग से निकाला गया था, वो किधर जाके बैठा? पृथ्वी पर। कोई दुष्टात्मा पृथ्वी पर आ गया, कोई दुष्टात्मा समुद्र, उसको बोलते हैं मराइन स्पिरिट्स या इविल स्पिरिट दैट रेन ऑन द अर्थ, दुष्टात्मा। और तीसरा दुष्टात्मा उससे स्वर्ग में छिपा हुआ था। हालेलुया। तो ये पृथ्वी को पूरा अधिकार से स्वर्ग से आप तक पूरा ऊपर भूमंडल के ऊपर वो राज करता है। हालेलुया। इतना पावरफुल है ये स्वर्गदूत मिखाएल। हालेलुया। वो आपके लिए युद्ध करते, हमारे लिए युद्ध करते, कुछ भी होते हैं वो आएंगे। जैसे दानिय्येल के समय में यही मिखाएल स्वर्गदूत दानिय्येल के लिए युद्ध किया, क्योंकि शैतान उसके प्रार्थना को रोक रहा था। दानिय्येल की जितना भी प्रार्थना हो रहा था, 21 दिन का उपवास लिया दानिय्येल, और उसके प्रार्थना पहले दिन ही दानिय्येल वो प्रार्थना उत्तर लेके आया परमेश्वर के सिंहासन से दानिय्येल तक, पर उसको उधर तक पहुंचा नहीं था, क्योंकि दुष्ट आत्मा, पर्शिया का दुष्ट आत्मा राजकुमार, वो है दुष्ट आत्मा जो पर्शिया के ऊपर राज करता है। मतलब हर एक देश या हर एक जगह के ऊपर एक दुष्ट आत्मा है। जैसे चेंबूर का दुष्ट आत्मा, नेहरू के ऊपर दुष्ट आत्मा, अभी नेहरू के ऊपर जो दुष्ट आत्मा है वो एक रिलीजियस स्पिरिट है, वो एक धार्मिक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। बहुत सारे जगह में अलग अलग दुष्ट आत्मा राज करते हैं। तो यहाँ पर दानिय्येल के पर्शिया, जहाँ पर रहते थे पर्शिया में, वो दुष्ट आत्मा को ऊपर उसके प्रार्थना को अड़चन लेके आ रहा था, उसके ऊपर फाइट करने के लिए क्या हुआ? कौन आया? स्वर्गदूत आया, मिखाएल स्वर्गदूत जो युद्ध करता है। ओके, यहाँ पर लिखा है, हमने प्रकाशित वाक्य में अभी पढ़ा 10:2 कि वो एक पुस्तक लेके, खुला हुआ पुस्तक। ऐसा पुस्तक था, छोटी सी खुली हुई पुस्तक। अभी यही पुस्तक, जैसा मैंने बोला, दानिय्येल 12 और प्रकाशित 10 बहुत ताल्लुक करता है। तेल क्या बोलते हैं, समानता, तेल मिल करता है समानता में। हालेलुया। तभी दानिय्येल की पुस्तक 12:4 भी आप पढ़िए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परंतु हे दानिय्येल, उस पुस्तक पर मोहर कर, तो उस पुस्तक पर मोहर कर, बंद कर, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढाड़ करेंगे। यस, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़ने का मतलब, इस समय कैसा दिन है? ज्ञान बढ़ने वाला दिन है। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया, सब ज्ञान बढ़ने लगा है। उस दिन तक ये बंद करके रख। जब ज्ञान बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी सब बहुत मॉडर्न हो जाएगा, तभी ये पुस्तकों को खोलना है, तब तक तू बंद रख। और अभी हम देखते हैं 2021 में के बाद, जब हम यीशु मसीह का रैप्चर के बाद, एक क्लेश, 7 साल के क्लेश, अंतिम 3.5 साल में ये पुस्तक को मिखाएल खोल रहा है। दानिय्येल को बोला बंद रख, दानिय्येल 12:4 में और प्रकाशित 10:2 में लिखा है खोल, एक खुले हुए पुस्तक। अभी ये रहस्य को खुल रहा है, खोल रहा है। हालेलुया। तो क्या हुआ है, वहां पर खुला हुआ पुस्तक को हम देख रहे हैं। ओके, आगे ओके, तो हम देखते हैं कि वो स्वर्ग और धरती पर कौन राज करता है? परमेश्वर राज करता है। इसलिए ये स्वर्गदूत के पाव, एक दाहिनी पाव समुद्र में और एक बाएं पाव पृथ्वी पर था। इसका मतलब परमेश्वर सबके ऊपर राज करता है, ऐसा कोई चीज नहीं जो प्रभु ने राज करता है। इनफैक्ट हिब्रू शब्द में पूरा भूमंडल का मालिक, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वो नाम है रिबोनो शेल ओलैन। हर सुबह मैं जब आराधना करता हूँ, बहुत सारे प्रभु का नाम रहता है, यहोवा एल शदाई, एल एलियन, यावे, इमैनुअल, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, एक नाम में प्रभु का आराधना करता है। रिबोनो शेल ओलैन, इसका मतलब है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, हमें सारे भूमंडल का मालिक। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें उससे डरना है तो सारे भूमंडल को राज करते हैं, उससे नहीं डरना है दुष्ट आत्मा से तो इधर उधर थोड़ा थोड़ा इधर उधर ये करता है, नाश्ता है, थोड़ा ये ऐसा करता है वो करते हैं, हम
उसे डरने का धक्का ले और ना वायरस से इसे आमीन। यीशु मसीह सबके ऊपर प्रभुत्व करता है, वो मालिक है, वो आपका मालिक है। हालेलुया। ना ही पृथ्वी और धरती और भूमंडल में, परंतु परमेश्वर आपका भूतकाल को भी प्रभुत्व करते हैं, आपका भविष्य को भी प्रभुत्व करते हैं और आपका वर्तमान को भी वो जानता है। वो जानते हैं आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है, फिर क्यों डरे। वायरस आया है, अभी डेल्टा पेल्टा आया है, अभी ये आया वो है, क्यों डरना है हमको। हमारा परमेश्वर सबके ऊपर प्रभुत्व करता है, ऐसा कोई चीज नहीं है हमारा परमेश्वर प्रभुत्व नहीं कर सकता। सिर्फ अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में हर वक्त हमको देना है, उसके हाथ के अधीन में हमको आने को सीखना है, बस उसके अगुवाई में चलना है। सब कुछ परमेश्वर संभाले, हमारे बच्चों को संभालेंगे, हमारे परिवार को संभालेंगे, हमारे सेहत को संभालेंगे, हमारे पैसे को संभालेंगे। इसे डरो मत, सारे भूमंडल का मालिक तेरे साथ है, तेरे विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, हम आएंगे प्रकाश वाक्य 10:3। और ऐसे बड़े शब्द चिल्लाया, ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। हाँ, ये स्वर्गदूत मिखाल चिल्ला रहा है जैसा सिंह गरज रहे। यस, और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए, गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिया। योना चेले जो स्वर्ग में था, वो देखा कि स्वर्गदूत चिल्ला रहे, मिखाल चिल्ला रहे और साथ गर्जन भी उसके साथ साथ आ रहा है। ओके, आगे 4:14 वाक्य। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, और सातों गर्जन के शब्द सुनाई चुके, तो मैं लिखने पर था, मैं लिखने पर था। अभी प्रकाशित वाक्य 1 अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यौनान से कहते हैं, ये यौनान तुझे मैं बड़ा दर्शन देते हैं पत्मोस द्वीप में जाकर, तू जेल में है, जो कुछ तू देखता है वो सब लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। बहुत लोग पढ़ने वाला है, अब 2021 में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये प्रभु का वचन प्रकाशित 1:3 में लिखा है, धन्य है जो इस प्रकाशित वाक्य पढ़ता है, सुनता है और करता है। हालेलुया, हम सब धन्य है, हम सब आशीषित है क्योंकि हम इस प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम लिखते, यहाँ पर लिखा है कि जब यौना ने सातवें गर्जन को सुना, वो लिखते करने लिखने को शुरू किया, और तब स्वर्ग से यह शब्द सुना, और स्वर्ग से शब्द सुना योना कि जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से सुनी है। यस, ये जो बातें तू सुन रहे है, ये सात गर्जन से, उन्हें गुप्त रख, उन्हें गुप्त रख, मत लिख, और मन से गुप्त रख, मत लिख, गुप्त रख। ओके, और आगे। यस, दैट्स इट। आमेन। तो प्रभु क्या कहता है योना को, ये सात गर्जनी जो आ रहे हैं इस स्वर्गदूत के मुंह से, बहुत सारी बातें उसके साथ साथ आते हैं, पर कुछ भी मत लिख, जस्ट गुप्त रख, सबको मालूम नहीं पड़ना चाहिए सब कुछ। हालेलुया। अभी ये सात गर्जन के बारे में वचन संहिता 29:29 में लिखा है, 3 से अगर हम पढ़ें, एक ही वाक्य पढ़े, 3-9 तक इसके सात और परमेश्वर की आवाज के बारे में लिखा है। ओके, एक ही वाक्य हम पढ़ेंगे, 3। यहोवा की वाणी, यहोवा के गर्जने या वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, मेघों के ऊपर सुन पड़ती है, प्रताप के ये ईश्वर गरजता है, ईश्वर जब गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। उसका मतलब है परमेश्वर गर्जन इतना बड़ा है, शैतान क्या सब कोई डर जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं तेरे साथ रहेंगे, मेरा गर्जन रहेगा, कोई तेरे पास भी नहीं आ सकता है। जैसा शेर का बच्चे जब शेर के साथ रहता है, उसका सामने कौन आ सकता है, एक गर्जन काफी है, शत्रु सब जितर बितर हो जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का गर्जन तेरे साथ है। हालेलुया, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर योनान से कहता है, पर जब योनान सुनता है गर्जन की बातें, और वो बातें वो जानता है, वो लिखने को शुरू करता है, प्रभु ते मत लिख, मत लिख। व्यवस्था विवरण 29:29 में क्या लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वंश में, गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वंश में है।
परंतु परंतु जो प्रकट की गई है, जब प्रकट किए हुए चीजें हैं वे सदा के लिए, वो सदा के लिए हमारे और हमारे हमारे और हमारे वंश, हमारे बच्चे के लिए वंश में रहेगी, वंश में रहेंगी, हमारे बच्चे के लिए भी है। और इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए, पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। तो ऐसा लिखा है प्रभु का वचन में, कोई बातें प्रभु हमें बताता है, कोई बातें है जो प्रभु हमें नहीं बताना चाहता। हालेलुया। हम बोलते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया मेरे जिंदगी में, मेरा पति क्यों चला गया, मेरा बच्चा को क्यों छीन लिया मेरे जीवन से। अरे बहुत सारी चीज का उत्तर नहीं है, मैं क्यों बीमार हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2018 में जब मुझे स्ट्रोक हुआ, तभी मैंने पूछा प्रभु मैंने अपने काम को छोड़ दिया, रिटायरमेंट लिया, वॉन्ट्री रिटायरमेंट आपके काम करने के लिए, ये क्यों ऐसा हुआ। परंतु मैंने बोला नहीं, मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा, तू मुझे उठाएंगे, मुझे मालूम है। और मैं सचमुच बोलू प्रभु अभी मुझे और इस्तेमाल करके पहले से भी प्रभु कुछ जानता है, ऐसा कोई बात नहीं, वो नहीं जानता है। हालेलुया। तो हमें सिर्फ बोलना है प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया। शैतान कुछ भी आपके पास फेंकेंगे, परंतु प्रभु वो सब आपके भलाई के लिए ही को परिवर्तन करेंगे। जैसा यूसुफ ने कहा, उत्पत्ति 50:20 में ऐसा लिखा है कि यूसुफ अपने भाइयों को बोलते है तूने मेरे विरुद्ध बुरा किया, पर मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे भलाई के लिए उत्पन्न किया। हालेलुया। जितना भी बुराई तेरे जीवन में हुआ है आज, ये बताओ ये सब तेरे भलाई के लिए उत्पन्न होगा। इससे डर मत, चिंतित मत हो, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर सब कुछ जानता है और सबके ऊपर प्रभुत्व करता है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आगे आगे जाना है। यस, प्रकाशित वाक्य 10:5 हम पढ़ेंगे। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा, समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा हुआ देखा, उसने अपना दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता रहे और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है और जो कुछ उस समुद्र पर है सिर्जा उसी की शपथ खाकर उस परमेश्वर की शपथ मिखाइल खा रहे है और बोल रहे है अब तो और देर न होगी, अब तो ना देर होगा। हालेलुया। अब तो ना और देर होगा। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा आज का शीर्षक है, अब देर नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का राज्य में ना अंधेर है ना देर है, सब कुछ प्रभु पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते कोलोसियन 3:15 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यस, 1:15 में। यस, वो तो अदृश्य परमेश्वर का पति रूप है और सारी सृष्टि में पहलोटा है आमेन। क्योंकि ये स्वर्गदूत ने किसके नाम पे पुकारा? यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह ने क्या किया? सब कुछ जितना भी बनाया है इस धरती पर, वो सब परमेश्वर यीशु ने बनाया, यीशु के लिए बनाया है। हालेलुया। और बिना यीशु मसीह कुछ भी चीज यहाँ पर बनाया नहीं है। कोई लोग यहोवा विटनेस बोलते हैं यीशु मसीह कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह सबका उत्पन्न है। आदि में वचन वही था, वही है, वही रहेंगे, वही हमको लेके आने के लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कितना पावरफुल है, हम उसको नीचे नहीं डाल सकते। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रतीक है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थ्य है, वो एक है, उसका समानता है। हालेलुया। कोई ऊपर वैल्यू या नीचे वैल्यू नहीं है, वो सबका एक ही समानता है, वो सब के सब परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे परिशने का 16, क्योंकि उसी में सारे वस्तु, क्योंकि यीशु मसीह में ही सारे वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की
देखी या अनदेखी, देखे या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभु चाहे, क्या प्रभु, क्या प्रधानता, क्या प्रधानता, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, यीशु मसीह के ही द्वारा, और उसी के लिए, और यीशु मसीह के खुशी के लिए सिरजा दिया हमको भी, पर यीशु मसीह ने सिरजाया है और यीशु मसीह के खुशी के लिए हमें सिरजाया गया है, क्योंकि जब भी यीशु मसीह हमको देखता है सबसे खुशी मनाता है। हम सब यीशु मसीह का प्यारा दुल्हन है, हालेलुया। हर वक्त वो पिता के सामने जाके बोलते, देखो मेरा बेटी, देखो मेरा बेटा, मैंने इसे लहू से खरीदा है, इसको ऊपर दया कर, इसको आशीष कर, इसको हर एक करुणा से बचा के रख। हालेलुया, वो हमारा साथ है, हमारा सृष्टिकार, हमारा उद्धार करने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा साथ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें कुछ गुप्त बातें बहुत ऐसे से ऐसे हम सीखेंगे। अभी ये पूरा पृथ्वी जो है, पहला किसके हाथ में थे? परमेश्वर के हाथ में थे, क्योंकि आदि में स्वर्ग और धरती किससे बनाया? परमेश्वर। फिर से यीशु ने फिर से पृथ्वी बनाया जब शैतान ने पृथ्वी को तहस महस या बेडोल कर दिया, तो इसका अधिकार किसके ऊपर है? यीशु का ऊपर है। ये पूरा धरती यीशु के हाथ में है। परंतु जब आदम पाप किया, उससे क्या किया? पूरा अधिकार जो परमेश्वर पिता ने आदम के हाथ में दिया था, आदम ने उस पृथ्वी को, पूरा अधिकार को शैतान के हाथ में दे दिया। हालेलुया। जैसे हर एक पिताजी अपने पूरा संपत्ति, पूरा घर अपने बेटे के हाथ में देगा, उसी तरह परमेश्वर पिता ने आदम के हाथ में पूरा पृथ्वी का अधिकार दिया। रोप जमाओ, फलो फूलो, पृथ्वी पर रोप जमाओ, सबके ऊपर सब आपके वंश में लेके आओ। पर पाप के द्वारा आदम ने उसी पृथ्वी का अधिकार किसके हाथ में दिया? वो अथॉरिटी और पावर शैतान के हाथ में दिया। इससे शैतान जब यीशु मसीह को परीक्षा में डालने के लिए आया, मत्ती 4 में पापर यीशु, शैतान क्या कहता है यीशु को? देखो ये सारा राज्य मेरा है, ये पृथ्वी का राज्य मेरा है, तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे ये पूरा राज्य तेरे हाथ में देंगे। तभी यीशु ने नहीं बोला नहीं 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 ये मेरा है, तो जान लिया ये, हाँ सब कुछ, ये दुनिया का युग, दुनिया का राजा कौन है? शैतान, अभी शैतान है। इसे इस पूरा पृथ्वी पूरा गंदगी से भरा है, कोरोना वायरस, बीमारी, मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट, हर एक प्रकार के पाप से भरा हुआ। परंतु क्योंकि विश्वासी लोग यहाँ पर है, प्रभु हम कहते हैं कि हम इस दुनिया का नमक है। नमक क्या करता है? सड़न से बचाता है। जब भी हमको कोई चीज को बहुत समय रखना है, वो आप नमक डाल देते हैं। इसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि आप, हम पर इस पृथ्वी का नमक है, हम इस पृथ्वी को सड़न से बचाते, पाप से बचाते। हमारे प्रार्थना क्या होते हैं? मत्ती 6 में यीशु मसीह ने हमें सिखाया, प्रभु तेरा राज आए इस पृथ्वी में जैसा स्वर्ग में है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये राज्य, ये धरती यीशु मसीह का है। तो हम बार बार पुकार के, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, कहता है, हम बार बार पुकार के बोलते, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, ये शैतान का राज्य नहीं है, ये तेरा राज्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पूरा पृथ्वी किसके हाथ में है? अभी शैतान के हाथ में। हालेलुया। इसलिए शैतान कुछ भी कर रहा है, कुछ भी एक्सीडेंट लेके आ रहा है, सुसाइड करने को विवश कर रहे लोगों को, और बच्चों को पूरा पोकेमॉन, हैरी पॉटर लेकर उनका मन को ब्रश कर रहे हैं। हालेलुया। युवक युवती को भटका रहे हैं। हालेलुया। और पति पत्नी को अलग कर रहे हैं, व्यभिचार की आत्मा से लोगों को अलग कर रहे हैं। पूरा दुष्ट आत्मा का कार्य चल रहा है, फिर भी परमेश्वर इस पृथ्वी को बचा के रखे, क्योंकि आप और आप यहाँ पर अभी तक है। जब रैप्चर आएंगे, हम सब निकल जाएंगे, ये पृथ्वी बहुत ही भ्रष्ट और भयंकर और बुराई से भरा हुआ जगह होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला ये पृथ्वी अभी इसी वक्त शैतान के हाथ में है। इसे 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के परमेश्वर, संसार के परमेश्वर कौन है? शैतान, लोगों के मन को अंधाधुन किया है ताकि वो उद्धार ना पाए। इसे जब भी आप अपना मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने पति पत्नी को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो लोग बोलते हैं हमको नहीं सुनना है, हमको नहीं सुनना है। क्योंकि क्या, क्यों? क्योंकि दुनिया का राजा शैतान ने उनके मन को अंधकार के पट्टी से बांधा है, तो वो कुछ जानता नहीं। और अंधाधुन बोलो, जब मरेंगे शैतान उनको नर्क में लेके जाएंगे, आग में लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा बात है कि प्रभु हम सबको चुना है,
उसके स्वर के लिए, उसके महान कार्य के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस, अब ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। ओके, पहला पृथ्वी यीशु का था, पृथ्वी यीशु का था। पाप के द्वारा आदम ने पृथ्वी शैतान, पाप के द्वारा ये आदम ने शैतान के हाथ में दे दिया। तीसरा, प्रकाशित वाक्य 5 में पृथ्वी का प्रमाण पत्र यीशु के हाथ में। हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रकाशित वाक्य 5 में क्या हुआ, वहां पर हम देखते हैं कि ये पूरा टाइटल डीड्स जो पुस्तक में लिखा था जिसके ऊपर मोहर था, वो सारे 7 मोहर खुल गया है। ये पूरा वो मोहर, वो पुस्तक जो था वो क्या था, वो परमेश्वर का अधिकार पत्र है, प्रमाण पत्र है। ये पृथ्वी अभी उसका है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, सब कुछ यीशु ने शैतान के हाथ से निकाल कर हमारे हाथ में वापस दे दिया है, और वो अधिकार अभी यीशु के हाथ में है। हालांकि पूरा पृथ्वी का अधिकार यीशु के हाथ में है। जब कोई प्रॉपर्टी किसका हाथ में है वो क्या करेंगे, अभी सोचो। उदाहरण तौर से मैं बहुत साल रेलवे चेकिंग ऑफिसर, ऑडिटर ऑफिसर बनकर काम किया है वहां पर। तो वहां पर क्या होता था, जब भी ट्रैक लगाते थे एक्स्ट्रा, जब उनको जमीन चाहिए, अधिकतर लोग जो झोपड़े बनाते थे ये ट्रैक के सामने, बहुत सारे गवर्नमेंट के रेलवे के प्रॉपर्टी के ऊपर वो आके घर बसाते थे, झोपड़े बसाते थे। इसलिए रेलवे लोग को उधर ट्रैक बनाने के लिए जगह ही नहीं मिलता था, ट्रैक के सामने सामने। अगर मानकोच वगैरह एक एक जगह पे जाएंगे तो उनके सामने सामने झोपड़ा रहते थे, तो उधर उनको एक और ट्रैक बनाने की जगह नहीं रहते थे। तो वो लोग क्या करेंगे, एक बड़ा न्याय का पत्र लेके आएंगे, सरकारी सरकार एक ऑफिसर को उनको अधिकार देंगे, जाओ जाओ, जैसे स्वर्गदूत को अधिकार दे, जाकर हमारा प्रमाण पत्र दिखाओ, ये हमारा प्रॉपर्टी है, और ये न्याय का पत्र भी दिखाओ उनको, ये 3 दिन में इसको खाली करना है। और अगर खाली नहीं करेंगे वो लोग क्या करेंगे, बुलडोजर आकर लेकर वो सारे लोगों को, झोपड़ा को निकाल कर फेंक देते हैं। इसी तरह ये सारा पृथ्वी का प्रॉपर्टी हमारा यीशु मसीह का है, शैतान का नहीं है। अभी शैतान के हाथ में है, पर अभी प्रमाण पत्र जो टाइटल डी है प्रकाशित वाक्य 5 में हमने सीखा था पिछले बार कि वो प्रमाण पत्र अभी यीशु मसीह के हाथ में है। अभी ये पृथ्वी यीशु के हाथ में है, परंतु वो अभी क्या करने वाला है, शैतान और हर एक अविश्वासी को यहाँ से भगाना वाला है, चल फुट ले बोलने वाला है, हालेलुया। परंतु यीशु मसीह जो दयालु और कृपालु है वो देर करता है आने के लिए, दूसरा आगमन के लिए। क्यों, उसमें से एक और व्यक्ति बचाएंगे, एक और व्यक्ति मन फिराएंगे, एक और व्यक्ति मेरे पास आएंगे। इसलिए वो लोग को अभी तक यहाँ से निकाला नहीं, जाने दो जाने दो, अभी तो लोग पश्चाताप करेंगे, ये क्लेश सब देखकर वो मेरे पास वापस आएंगे, मेरे लिए समय निकालेंगे। प्रभु देर रखता है, हालेलुया। परंतु प्रभु अभी इस वचन में लेके, अभी कोई देर नहीं होगा, अभी परमेश्वर शैतान उसके फौज हर एक अविश्वासी को यहाँ से मार डालेंगे। इसलिए आखिरी 3.5 साल जो क्लेश का है, पूरा 7 साल में आखिरी 3.5 साल क्या होने वाला है, परमेश्वर ऐसा भयंकर प्रकोप यहाँ पर लेके आने हैं। जब 7वां तुराई फूकेंगे, इंटरवल के बाद 7वां तुराई फूकेंगे, क्या होगा, 7 कटोरा न्याय का, परमेश्वर का प्रकोप का 7 कटोरा इस धरती में उंडेलेंगे। बहुत ही भयंकर दिन होने वाला है, क्रिस्त विरोधी और क्रिस्त विरोधी के सारे एजेंट्स के ऊपर, अविश्वास के ऊपर न्याय आएंगे, हालेलुया, ताकि हिला हिला कर इनको सबको मार डालें। ऐसा लिखा है कि 10 लोगों से सिर्फ एक व्यक्ति बचेंगे, इसका मतलब 90% लोग, अभी तो 50% गया पिछले 6 तुराई तक, न्याय ऐसा आ गया कि 50% निकल गया। अभी जो आने वाला ये 3.5 साल ऐसा न्याय आने वाला है, कटोरा का न्याय, बहुत भयंकर न्याय। जितने लोग शैतान की चाप छे लिया है, शैतान के पीछे चलता है, उनके ऊपर परमेश्वर के प्रकोप आने वाला है, और सब 90% लोग मर जाएंगे, सिर्फ 10% आबादी यहाँ पर इस पृथ्वी पे रहेंगे जब यीशु मसीह आएंगे। और तभी क्या होगा, शैतान इतना गुस्सा होगा, और वो देख रहा है कि यहूदी लोग यहाँ पर है, तो यहूदी के लोग के ऊपर अपने प्रकोप चलाएंगे, हालेलुया, उनको सबको मार डालेंगे। तो अभी तक जो जितने ISIS लोग को मार डाला है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा भयंकर उनको काट काट के मारेंगे यहूदी लोगों को। जितने विश्वासी अगर इधर बचा है उनको काट के मारेंगे, तो वो लोग शैतान का सिक्का नहीं लेंगे अपने सर पे, और नहीं लेंगे तो क्या, उनको मार डालेंगे, उनको खाना पीना नहीं देंगे,
और जो ये सिक्का लेंगे जबरदस्ती डर डर कर क्या वो सबके सब आके झील में अनंत काल तक वहां पर रहना पड़ेगा। तो उसका उससे अच्छा है अभी बचकर यीशु मसीह के साथ चला जाओ, तो बहुत भयंकर दिन आने वाले, कतरे वाले दिन आने वाले। ये लास्ट 3.5 साल बहुत ही भयंकर दिन। अभी प्रभु का वचन जो वहां पर लिखा है, समय आ चुका है, अब देरी ना होगा। वो शब्द यूनानी शब्द क्रोनोस से आते, क्रोनोस का मतलब समय खत्म हो गया, शैतान का समय अभी खत्म हो गया, बस हो गया। सबको प्रभु का प्रकोप से अभी पश्चाताप का दिन खत्म, अभी अब न्याय का दिन और बड़े न्याय, किसी को भी चांस नहीं मिलेंगे अभी। हालेलुया, अभी बहुत समय हो गया, बहुत टाइम से यीशु का प्रॉपर्टी में शैतान और अविश्वासी रह रहे, अभी इस प्रॉपर्टी से बुलडोजर क्या यीशु के क्रोध से इनको सबको निकाल कर फेंकने वाला है। हालेलुया, तो प्रभुश का न्याय आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब देर ना होगा, उसका मतलब है परमेश्वर का न्याय आने वाला। वो भी नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो जो प्रोमिसेस प्रतिज्ञा प्रभु आपसे किया है, प्रभु कहते हैं मैं हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। प्रभु बहुत साल से आपको बोल रहे हैं मैं तुझे अच्छा सेह देंगे, यस प्रभु करेगा, प्रभु ऐसे ही करेंगे, आपसे कोई भी गुप्त बातें नहीं रहेंगे, कोई भी देन नहीं रहेंगे। हालेलुया, और अगर हम दूसरा वाक्य में भी जाएंगे प्रकाशित 10 का ओके और एक और वाक्य हम पढ़ेंगे जोशुआ 10:24-26। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकल ले आए, क्या अभी ये यहोशुआ यीशु मसीह का प्रतीक है, अभी सुनिए गौर से क्या लिखा है वहां। जब वे उन राजाओं को यहोशू के सामने के पास निकाले ले आए, अभी यहोशुआ ने बहुत सारे राजाओं शत्रुओं को पकड़ के लेके आते, उनका राजा को लेके आते उसके सिंहासन के सामने। तब यहोशू ने इज़राइल के सब पुरुषों को बुलाकर, यहोशू ने बड़ा काम किया, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए बड़ा काम किया, सारे लोग जितने विश्वासी भाई बहन है उन सबको लेके आकर बोलता है यहोशू की तरह, तो बुलाकर अपने साथ चलने वाले यहूदियों के प्रधानों से कहा। हाँ, प्रधान, हम सब प्रभु का प्रधान है, प्रधानों से क्या कहा यहोशू ने, निकट आकर अपने अपने पाँव राजाओं के गर्दनों पर रखो। और उन्होंने उस सरदार ने निकट जाकर अपने अपने पाँव उनके गर्दनों पर रखा। उसका मतलब है, और आगे भी हम पढ़ेंगे उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तब यहोशू ने उनसे कहा डरो मत। और से कह रहे जो यीशु मसीह का प्रतीक है, जो यहोशुआ ने लोगों के लिए किया वही यीशु ने हमारे लिए किया, हमारे सारे शत्रुओं को घेर लिया, पकड़ लिया, और उनका राजा शैतान के ऊपर प्रभु ने क्या कहता है, हाओ विश्वासी भाई बहनों, तेरे सर तेरे पांव डरो शैतान के गर्दन में रख और डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना। अभी तक शैतान तुझे डरा था, पर अभी डरो मत, तेरा मन कच्चा ना हो, इवाय बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से तेरे सारे शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसे ही करेंगे। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और पांच वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक वृक्षों पर लटकाए गए। उसी तरह यीशु मसीह ने क्या किया, हम सब के लिए युद्ध करके शैतान के सर को कुचल दिया अपने पाँव में। प्रभु अभी तू तेरा पाँव शैतान के गर्दन पर रख, उस कोरोनावायरस की गर्दन के ऊपर रख, उस गरीबी के नींव के ऊपर रख, मैं तेरा विजय का स्थान हूँ। हालेलुया, शैतान आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते कि प्रभु ने हमें जीत हासिल करके हमारे हाथों में वो दे दिया है। इसे डरो मत, प्रभु तेरे साथ में, प्रभु ने सबको तेरे हाथ में दे दिया, उस कोरोनावायरस से मत डर। हालेलुया, अगर प्रभु कुछ कहता है वो वैसे ही करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है, परमेश्वर जो कहता है वो वैसे ही करता है, शैतान जो बोलता है वो झूठा है, पर यीशु जो बोलते हैं वो सत्य है। हालेलुया, तो हम उसका यीशु के सत्य पर विश्वास करना है। प्रेज लॉर्ड, तो यहाँ पर हम देखते यहोशुआ की तरह यीशु मसीह ने हमें हमारे पाँव को शैतान के गर्दन पर रखा है, और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वर्गदूत अपने पाँव किसके ऊपर रखा है,
पृथ्वी और समुद्र के ऊपर, तो प्रभु ने सबके ऊपर हमें प्रभुत्व दिया है, अधिकार दिया है। हालेलुया। सार प्रभु ने क्या बोला आखिर में, जब जाने के समय यीशु को चेहरा को बुलाकर हम सबको बुला के क्या बोला, सारे स्वर्ग और धरती का अधिकार मेरे मुट्ठी पर है, जा और जाके सबको बता मेरे बारे में। हालेलुया। वही अधिकार जो परमेश्वर के हाथ में है प्रभु ने हमें दिया है हमको राज करने के लिए। हमें डरना नहीं, हमारे दिल को कच्चा नहीं करना है, पर हिवाए बांध कर शैतान को हमें कुचलना है हमारे पाँव के तले, कि हमारा परमेश्वर हमारा राजा हमारा मालिक हमारा साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित 10 का 7 पढ़ेंगे। वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, यस, वरन सातवें मतलब जब सात पात तुराई फूके जाएंगे, जब वह तुरही फूकने पर होगा, हाँ तुरही फूकने पर होगा, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, हाँ जो उससे अपने दास भविष्यवक्त को दिया, पूरा होगा। यस, पूरा होगा। आमेन। प्रभु कहता है कि जो भी गुप्त बातें, देखो 14 गुप्त बातें हैं, प्राप्तचले गुप्त बातें हैं, यहूदी लोग यीशु मसीह को ना जाना वो भी एक गुप्त बातें हैं, बहुत सारे गुप्त बातें हैं, अभी सब वर्णन करेंगे तो टाइम नहीं लेंगे, तो ये सारे गुप्त बातें प्रभु बोलते हैं वो पूरा हो जाएंगे, अभी कोई देर नहीं होना। यहाँ पर जो शब्द है पूरा होगा वो उनानी शब्द टैलियो से आते हैं, टैलियो का मतलब खत्म हो गया, जो वही शब्द जो यीशु मसीह में क्रूस में लिखा बोला था आखिर में, सब कुछ खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? सारे पाप, सारे रोग, सारे श्राप, सारे मृत्यु, सारे गरीबी, सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया, वो टैलियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमारे सब कुछ कर दिखाया, कर कर हमारे हाथ में सब कुछ दिया, से बोलते तेरे पाव रखो, मैं सब कुछ तेरे हाथ में दिया है। जब वो एक यहूदी के समय में जब कोई पाव रखता है उसका मतलब है उसको उसके ऊपर प्रभुत्व है, प्रेज द लॉर्ड, उस प्रॉपर्टी पर हक है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी हक है, सारी बीमारी सारे रोग सारे श्राप पर प्रभु हमें हक दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और आज आप बोल रहे मेरे प्रभु कभी मेरा ये काम होगा, प्रभु आज बोल रहा है मेरे हर एक प्रतिज्ञा, 2 कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है मेरे हर एक प्रतिज्ञा यीशु मसीह में और आमीन है, आपका प्रतिज्ञा को कब देरी नहीं होगा, टैलियो सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया, प्रभु तेरे साथ है, डरो मत। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित 11:15 भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी, जैसा मैंने बोला जब सातवां तुरही होएगा बहुत भयंकर समय आने वाला है, क्योंकि प्रभु का भी राज उधर आने वाला है। यस, क्या लिखा है वहां पर, जब सातवां तुरही फूंकी, तुरही फूंकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, बड़े शब्द होने लगे स्वर्ग में, कि जगत का राज्य, जगत का राज्य हमारा प्रभु का, अभी यीशु मसीह का और उसके मसीह का हो गया, का हो गया। अभी ये राज्य किसका हो गया, अभी अभी शैतान का नहीं होने वाला, ये परमेश्वर का है, ये हमारा है। हालेलुया, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। दूसरा बात, जब 7 साल का क्लेश होगा हम भी उसके साथ सफेद घोड़े में सवार होकर हम भी इस धरती में आएंगे, और शैतान तो जैसा बुलडोजर लेके आएंगे वो तो जल्दी इधर निकलने वाला नहीं है, वो क्या करेंगे, वो बड़ा युद्ध आर्मगेडन युद्ध लेके सारे लोग इकट्ठा करके यीशु और यहूदी लोग के विरुद्ध आएंगे, परंतु यीशु सिर्फ एक फूंक मारेंगे, खत्म, शैतान उसके सारे फौज खत्म हो जाएंगे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा, सब के सब मरकर यीशु मसीह इधर आएंगे, ये पूरा धरती के प्रॉपर्टी को साफ करके 1000 साल हम यहाँ पर विराजमान होकर हम रहने वाले, हम राज करेंगे इस धरती पर, ये धरती वैसा नहीं रहेगा, बहुत ही सुंदर देश होगा ये धरती, 1000 साल हम यहाँ पर रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड। इस धरती सबसे सुंदर जगह आने होने वाला है, अभी तो नहीं है, होएंगे जब यीशु मसीह आएंगे, प्रेज द लॉर्ड। यस, और आगे हम पढ़ेंगे डैनियल, जैसे मतलब डैनियल और प्रकाशित 10 में बहुत ताल्लुक है, डैनियल 10:6-11 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पढ़िए, 6-11, डैनियल 10:6-11। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए, सन का वस्त्र उन्होंने मिखाए, नदी के जल के ऊपर था, नदी के जल के ऊपर था,
उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का, ये आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक, अंत कब तक होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए, ये पुरुष या मिखाइल क्या बोलता है, नदी के जल के ऊपर था, नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरी सुनते दाहिने या और बाएं अपने दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर, सदा जीवित रहने वाले, की शपथ खाकर, परमेश्वर की शपथ खाकर कहा, यह दशा ये 3.5 साल तक की रहेगी, या ये 3.5 साल तक की रहेगी। ये कभी लिखा था, बहुत हजार हजार वर्ष पहले ये लिखा था, ये सारे बातें 2000 से भी ज्यादा वर्ष पहले ये डैनियल को बताया गया था। ये अंतिम 3.5 साल के बारे में डैनियल को बताया गया था। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अभी होने वाले अंतिम 3.5 साल में ये सब होने वाला है। Yes. और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होगी, और ये बात मैं सुनता तो था ये बात भी सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा, दानियल तभी कुछ समझ नहीं रहा है क्या है। उनको ये नहीं मानते क्लेश आने वाले है, 3.5 साल बहुत भयंकर दिन आने वाला है। और आगे तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत का फल क्या होगा। पूछ रहे उसके कैसे, यस प्रभु बहुत सारे प्रश्नों पूछ रहे, उसको कुछ मालूम पड़ रही, क्या दिखा रहे परमेश्वर, कौन सा अंत का दिन, क्या होने वाला है, जो दिनों क्या होगा उनको, सब एक एक प्रश्न पूछ रहे। तो ये परमेश्वर क्या कहता है, उसने कहा हे दानियल, चला जा क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए है, बंद है और इन पर मोहर दी गई है, अभी तो नहीं होगा, तो मर जाएंगे, परंतु तो अभी अंत समय के काल के समय है, यहूदी के बारे में लिखा है। बहुत लोग तो अपने अपने आप को निर्मल करेंगे। निर्मल मुझे वो पहला क्या होता है, मैं कुछ बोलना चाहते हैं, पहला कि यहूदी लोग जब क्रिस्त विरोधी, पहला घोड़ा जब मैंने बोला, पहला सिक्का जब खोलता है, सफेद घोड़ा आता है, वो क्रिस्त विरोधी प्रकट होंगे। हम सब राक्षस में जाएंगे, तुरंत क्रिस्त विरोधी प्रकट होंगे। हालेलुया। तो ये दुष्ट व्यक्ति जब प्रकट होंगे और पूरा पृथ्वी पर राज करेंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार होगा, तभी क्या करेंगे ये व्यक्ति, पहला चीज, दो चीज करने वाला है क्रिस्त विरोधी। पहला है यहूदी लोग के साथ वो एक ट्रीटी, सहमति बांधेंगे, एक पीस एग्रीमेंट बांध ली। दूसरा, वो यहूदी लोग को इतना अपने हाथ में फंसाएंगे कि उनके लिए एक बड़ा मंदिर, यहूदी के मंदिर को स्थापित करेंगे यरूशलेम में। ये दोनों चीज पहला करने वाला, क्योंकि उसको सारे यहूदी लोग को अपने वंश में लेना है। परंतु पहला 3.5 साल बहुत अच्छे तरह से उनको, अच्छे तरह से बातें करेंगे, पूरा सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ करेंगे उनके लिए। पर आखिरी 3.5 साल उसका रंग बदल जाएंगे, शैतान का, अरे वो क्रिस्तुस का रंग बदल जाएंगे। और क्या करेंगे वो परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे और खुद बैठेंगे, जिस मंदिर को वो बनाया था यहूदी लोग का आराधना और बलि चढ़ा, होम बलि चढ़ाने के, वो क्या करेंगे, वो खुद आके बैठेंगे और बोलेंगे, मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा परमेश्वर ने मेरा आराधना कर, चल मेरा आराधना कर। तभी यहूदी का आपको जाएंगे, बापरे ये तो मसीहा नहीं है, हमने झूठा मसीहा के ऊपर विश्वास किया। फिर वो जानेंगी सिर्फ यीशु मसीह ही मसीहा है, और वो सब के सब यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे और बड़ा प्रचारक होंगे यहूदी लोग। इससे वहां पर देखिए कि बहुत लोग निर्मल होंगे, पवित्र होंगे, उसका मतलब यीशु मसीह को अपने उद्धार करता स्वीकार करेंगे। yes. और उजले करेंगे, निर्मल और उजले करेंगे, वो प्रकाशित होंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते, दुष्ट लोग, क्रिस्त विरोधी लोग और अविश्वासी लोग और दुष्टता में बढ़ेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात न समझेगा, और दुष्टों में से क्रिस्त विरोधी को कुछ समझेगा नहीं ये सब क्या हो रहा है। परंतु जो बुद्धिमान है, वही समझेंगे, जो प्रभु का करीब है, जो प्रभु का खोजी है, हर दिन सुबह उठकर प्रार्थना करे, लोगों को प्रभु गुप्त बातें सिखाएंगे। इसे किसको प्रभु ने ये सारा प्रकाशन दिया, डैनियल यीशु का करीब था, योना यीशु का करीब था, हर वक्त प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति। अगर आप भी परमेश्वर का साथ साथ चलेंगे, प्रभु के लिए समय बिताएंगे,
आपके काम से, आपके परिवार से भी सबसे ज्यादा प्रभु को अहम स्थान देंगे। प्रभु आपको गुप्त गुप्त बातें बताएंगे, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब कुछ प्रभु आपको दिखा बताएं। यहाँ पर लिखा है कि गुप्त बातों को, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी, हाँ, अभी शैतान आकर सारे होम बलि, सारे सैक्रिफाइस ऑफरिंग्स को बंद करेंगे यरूशलेम के मंदिर में, और तब घिनौनी वस्तु, घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है, उजाड़, अबोमिनेशन जो बोलता है इंग्लिश में, उजाड़ करने वाला वस्तु क्या है, शैतान खुद आकर, क्रिस्तुति खुद आकर उस मंदिर में आके बोलते हैं मेरा आराधना कर, और स्थापित की जाएगी, स्थापित की जाए, तब वे 1290 days अगर काउंट करेंगे, साढ़े तीन साल, आखिरी साढ़े तीन साल में ये सब होने वाला है। शैतान अपने आप को परमेश्वर बने, क्रिस्तु अपने आप को परमेश्वर बनाएंगे, तब भी प्रभु का वचन यीशु मसीह बोलते जब ऐसा होता है, ये घिनौनी चीजें होने लगेंगे, यहूदी लोग भाग जाओ जंगल में, भाग जाओ, क्योंकि क्या होगा जो लोग उसकी आराधना नहीं करेंगे, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह नबूकदनेस्सर के सामने झुका नहीं, इससे क्या होंगे, सबको काट काट के मार डालेंगे, बहुत भयंकर दिन होगा यहूदी लोगों के लिए। यस, ग्यारह हो गया, प्रकाश दस का आठ में आएंगे, आठ नौ यस पढ़ेंगे जल्दी से। और जिस शब्द करने वाले, और जिस शब्द करने वाले वो मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, हाँ, बोलते सुना था, फिर मेरे साथ बातें करने लगा, फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा हाँ, है, जो इतना बड़ा स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी के ऊपर खड़ा है, जो ना इतना छोटा है, वो बोलते तू जा उसके सामने, और उसके हाथ में, उसके हाथ में से खुली हुई पुस्तक, खुली हुई छोटा पुस्तक ले लो, और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर, वो बड़ा स्वर्गदूत के पास गया, योना बोलते मैं गया उसके पास, और कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे दे, और उसने मुझसे कहा, और वो स्वर्गदूत मिखाएल ने योना से कहता है, ले इसे खा ले, ले तू इसे खा ले, और यह तेरे पेट कड़वा तो करेगी, हाँ तेरा पेट को कड़वा करेगी, पर तेरे मुंह से मधु से मीठी लगे, मधु से मीठा, जब तू खाएंगे मधु की तरह बहुत मीठा रहेंगे, खाते खाते जब पेट में जाएंगे बहुत कड़वा होंगे, इसमें भी कुछ गुप्त बातें हैं। दस का दस पढ़ेंगे, सो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के योना ने क्या किया, उस स्वर्गदूत के हाथ से वो पुस्तक लेता है, लेकर खा गया वो मेरे मुंह में मधु से मीठा तो लगा, पर जब उसे खा गया, जब मैं उसे खा गया, तो वो मेरा पेट कड़वा हो गया, मेरा पेट खड़वा हो गया। इसका मतलब क्या है, हम सीखेंगे, ये छोटा पुस्तक क्या है, तो जैसा ये मिखाएल या परमेश्वर ने योना को बोला ये छोटा पुस्तक खाओ, उसी तरह हमको भी यीशु मसीह का वचन को हर दिन खाना है, हर दिन वचन करना है, जो वचन को नहीं खाते हर दिन वो दुर्बल होगा, जैसा खाना नहीं खाते एक दिन भी इतना दुर्बल होते हैं, बेहोश पड़ते हैं, तो हमको हर दिन अगर आत्मिक उन्नति करना है, अगर हमारे जीवन को मुरझाए नहीं रखना है, हमको इस वचन को हर दिन खाना है, सुबह उठकर पहला वचन को खाओ, उसका शारीरिक भोजन खाने के पहला इस वचन को हमको खाना है, वो हमें बल सामर्थ सफलता और आशीष देंगे, चंगाई देंगे, बरकत देंगे। क्यों विश्वासी लोग दुर्बल है, क्यों विश्वासी लोग जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो प्रभु का वचन थोड़ा भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वचन पढ़ने के, बोले कल पढ़ेंगे, कल तो आएगा ही नहीं, इसे वचन हर दिन पढ़ो। जैसे योना ने उस वचन को खाने लगा, हालेलुया, प्रभु का वचन में लिखा है ये वचन खाने की तरह तुलना किया है, एक है प्रभु का वचन मत्ती 4:6 में लिखा है ये वचन रोटी है, इसे मानव मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हरे प्रभु के वचन से जिंदा रहता है, हालेलुया। दूसरा, इस वचन को दूध के समान तुलना किया है, 1 पत्रोस 2:2 में लिखा है, ये जब नए नए विश्वासी आते हैं हमको दूध की तरह हमको इस वचन को पढ़ना है, क्यों, नया शिशु की तरह इसको पीना है तंदुरुस्त होने के लिए। उसके बाद लिखा है मांस, ये वचन मांस की तरह, 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि ये हमारे लिए 3:1-2 में लिखा है ये मांस है, वो तगड़ा तगड़ा वचन प्रकाशन प्रभु में देने लगेंगे इस वचन के द्वारा, तुम पढ़ते ही जाएंगे। चौथा, इस वचन को शहद बोलता है या मधु कहता है, हालेलुया, भजन संहिता 119:103 में लिखा है कि ये हमारे शहद है, मधु है, आई मीन जब मधु हम पीते बहुत मीठा लगता है, उसी तरह हर एक टाइम जब हम दुखित है,
परेशान है, हम क्या करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वो हमको सांत्वना तसली देता है, और ये कड़वा भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें अनुशासन करते, प्रभु ऐसा मत कर, तू ये पाप कर रहे, इसे मन फिरा, कभी भी अच्छा नहीं लगता, पर वो वचन हमें सिखाते हैं, हमें अनुशासन करते हैं, हमको वापस यीशु की ओर फिराता है। हालेलुया, ये मीठा भी है, ये कड़वा भी है, पर यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो लिखा है मीठा और ये, इसका अर्थ ऐसा है, ये मीठा इसलिए जब यूहन्ना ने ये वचन सुनता है, वो जानता है कि परमेश्वर का उद्धार का मार्ग क्या है, ये ना ही अविश्वासी के लिए, अन्य जाति के लिए, ये यहूदी के लिए भी है, यहूदी लोग यीशु मसीह में आने वाले आते थे, बहुत खुशियां मनाते, नाचते गाते, पर क्या होते, थोड़ी देर के बाद वो कड़वा होते, उसका मतलब उसको पाप भी जानते हैं, जब वो इस वचन में मनन करते हैं, वो जानते हैं कि अरे बाप रे, इसके द्वारा अनेक यहूदी लोग मरने वाला है, कि अंतिम दिन में जब परमेश्वर का प्रकोप यहूदी लोग ये क्रिस्त विरोधी के ऊपर और अविश्वासी के ऊपर आएंगे, क्रिस्त विरोधी के क्रोध यहूदी लोग के ऊपर आएंगे, ये वो लोग जानते ये प्रभु के चुने हुए बहुत ही करीब लोग है, इनके ऊपर शैतान क्या करेंगे, सबको मार डालेंगे, शहीद करेंगे, सबको मार डालेंगे, परंतु यहूदी लोग प्रचार करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, और सबके सब शहीद हो जाएंगे। हालेलुया, और अंतिम में खाली चिन्ह यहूदी लोग रहेंगे, यीशु मसीह जब वापस आएंगे अपने संतों के साथ। हालेलुया, इसलिए वो बोलते कड़वा और मीठा। ओके, आगे लास्ट वचन पढ़ेंगे, प्रकाशन 10:11। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करना पड़ेगा। उसका मतलब है हमको इस पुस्तक को ना ही खाना है, खाकर तगड़ा नहीं होने और मोटा नहीं होने, और उसको देना भी है, तो हमको प्रचार करना है। कितने लोग प्रचार करने को भूल गया, अभी कोरोना वायरस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमको टाइम ही नहीं है। अगर आप एक एक को वचन नहीं बता सकते, एटलीस्ट कम से कम उनको जूम मीटिंग में तो बताइए, उनको यीशु मसीह की बात लेके आइए, टाइम बहुत कम है। हमारा माता पिता भाई बहन उद्धार पाना है, क्या आपके मन में ये नहीं आता है, अरे इस रैप्चर में मेरे भाई आएंगे तो उनका परिवार भी आएंगे, उनके मेरे बच्चे आएंगे, मेरे पति आएंगे, पत्नी आएंगे, कोई भी उस क्लेश में नहीं रहना चाहिए। शायद आपका विचार ये रहेगा, आज से बल पाकर प्रार्थना करके फास्टिंग लो इन लोगों के लिए, ताकि सबके सब लोग बच जाएंगे, कोई भी इस क्लेश में न्याय रहेंगे। अली इसे यूहन्ना को बोलते ना ही ये वचन को खाओ, पर दूसरों को बताओ, भविष्यवाणी करो, अनेक जाति, अनेक अधिकार लोग, अनेक राजा को जाके इस वचन को बताओ। इसी यीशु मसीह जाने के पहले मताई मती 28:19-20 में लिखा है, प्रभु क्या कहता है, जाओ और प्लीज रीड दैट। इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और क्या सिखाना है, सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मैंने तुझे आज्ञा दिया, अभी तुम खा रहे, अभी दूसरों को सिखाओ। यस, उन्हें लेके आओ यीशु के पास, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। हालेलुया, ना ही वचन हमको खाना है, पचन करना है, दूसरों को बताना है, आओ हमारे मीटिंग में, आओ यीशु मसीह के पास, आओ कलीसिया में जुट जाओ, कल बड़े बड़े कार्य करो प्रभु के लिए, आपके घरानों को बुला के लेके आओ, आपके पति और पत्नी को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ, समय बहुत कम है, और शैतान भी जानता है उसके समय कम है। प्रकाशित वाणी 12:12 में लिखी, शैतान जानता है उसके समय कम है, इसे लोगों फंसा रहे, उनको यीशु से दूर लेके जा रहे, पर आप प्रभु का समीप आओ, वचन पढ़ो, हर दिन वचन को खाओ और बलवंत हो जाओ, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया, एक छोटा सा वो पिक्चर देखेंगे प्रकाशित 10 के बारे में और फिर खत्म। फिर मैंने आकाश के नीचे उतरती हुई एक और बलवान स्वर्गदूत को देखा। उसने बादल को ओढ़ा हुआ था तथा उसके सिर के आसपास एक मेघ धनुष था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तथा उसकी टांगे अग्नि स्तंभों के जैसी थी। अपने हाथ में उसने एक छोटी सी खुली
होती ली हुई थी। उसने अपना दाहिना चरण सागर में और बायां चरण धरती पर रखा। फिर वह सिंह के समान दहाड़ता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाया। उसके चिल्लाने पर सातों गर्जन तर्जन के शब्द सुनाई देने लगे। जब सातों गर्जन हो चुके और मैं लिखने को ही था, तभी मैंने एक आकाशवाणी सुनी। सातों गर्जनों ने जो कुछ कहा है उसे छिपा ले तथा उसे लिख मत। फिर उस स्वर्गदूत ने, जिसे मैंने समुद्र में और धरती पर खड़े देखा था, आकाश में ऊपर दाहिना हाथ उठाया और जो नित्य रूप से सजीव है, जिसने आकाश को तथा आकाश की सब वस्तुओं को, धरती एवं धरती पर की तथा सागर और जो कुछ उसमें है, उन सब की रचना की है, उसकी शपथ लेकर कहा, अब और अधिक देर नहीं होगी, किंतु जब सातवें स्वर्गदूत को सुनने का समय आएगा, अर्थात जब वह अपनी तुरही बजाने को होगा, तभी परमेश्वर की वह गुप्त योजना पूरी हो जाएगी, जिसे उसने अपने सेवक नबियों को बता दिया था। उस आकाशवाणी ने, जिसे मैंने सुना था, मुझसे फिर कहा, जा और उस स्वर्गदूत से जो सागर में और धरती पर खड़ा है, उसके हाथ से उस खुली पोथी को ले ले। सो मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और मैंने उससे कहा कि वह उस छोटी पोथी को मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, यह ले और इसे खा जा, इससे तेरा पेट कड़वा हो जाएगा, किंतु तेरे मुंह में यह शहद से भी ज्यादा मीठी बन जाएगी। फिर उस स्वर्गदूत के हाथ से मैंने वह छोटी सी पोथी ले ली और मैंने उसे खा लिया। मेरे मुख में यह शहद सी मीठी लगी, किंतु मैं जब उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इस पर वह मुझसे बोला, तुझे बहुत से लोगों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। I am Jonathan.